हे गाइस, वेलकम बैक टू स्कैनाज लाइव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज है फ्राइडे और आज हम जा रहे हैं नानी के। और ये देखिए, मैंने नया आउटफिट पहना है जो मम्मा ने स्टिच किया है और बहुत ब्यूटीफुल। मैंने वैसे भी पिंक कलर नहीं पहना था, मैं पहनती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, बस याद नहीं मैंने पहना है कभी या नहीं पहना पिंक कलर। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला मुझे। मैं भी आप लोगों, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मेरा आप लोग आउटफिट देखें पूरा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं अपने एक आउटफिट्स की जो भी नए स्टिच हुए हैं उन सब की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मेरा बहुत जल्दी ब्लॉग आ रहा है। खैर छोड़िए, मैं बताती हूँ। आज है फ्राइडे और अभी हम जा रहे हैं नानी के यहाँ। और कल क्योंकि जहांगीर अम्मू जा रहे हैं सैटरडे को रात में, रात की फ्लाइट है 4 बजे की, अपनी 3 बजे की, तो अभी हम जा रहे हैं। वैसे भी अब हम रात में ही जाते हैं नानी के, तो अभी हम जा रहे हैं। पापा जब आएंगे ऑफिस से तो बस फिर हम जाएंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हो रहा है शायद 11:30 है, कुछ हो रहा है, फिर हम निकलेंगे और मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू ही रखूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कुछ बनाया नहीं जब जाएंगे हुआ है। मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं क्या बनाऊँ। वैसे मैं गई भी हूँ, मैं रुकने तो गई नहीं जब जाएंगे हुआ है, वैसे मिलने गई हूँ बहुत दफ़ा, तो इसलिए बस मैंने दावत में बनाया झांगड़ों के साथ। मैं सारा सब कुछ एक साथ ही बना रही हूँ, मुझे मैं इतना टाइम नहीं मिलता ना बनाने का, तो इसलिए सब एक साथ। ठीक है, तो बस अभी हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे जो कुछ भी होगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। हमेशा यही बोलती हूँ लेकिन इस दफ़ा कोशिश करूँगी। तो जाते हुए हम लोगों ने ये फ़िश खाई थी, क्योंकि मैंने और जर मैंने खाना नहीं खाया था। तो मम्मा कहीं थी खा लो, हमने बोला नहीं वहीं खा लेंगे। तो मम्मा ने ये फिंगर फिश मंगवाई और बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फ़िश चखी और मुझे बहुत अच्छी लगी फ़िश। अब यहाँ पे सुबह हो गई थी और हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, ऊपर नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि हम सोए भी ऊपर ही थे। रात में कुछ शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बातें वगैरह सब कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत टाइम बाद हम एक साथ थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और बस इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और फिर जब हम सुबह उठे तो छोटे चच्चे नाने ले आए थे निहारी वगैरह, और बाकी शादा मैंने अंडे वगैरह बना ली थी। लेकिन हमसे तो सुबह में होता ही नहीं इतना हैवी नाश्ता, तो हमने खाली बिस्किट और कोई खाए चाय, बाकी जम्मी और पप्पा ने खाई थी निहारी। सो गुड मॉर्निंग, अब हम उठ चुके हैं। मुझे रुकना नहीं था लेकिन मैं रुक गई। मैंने आप लोगों को बोला ना यहाँ पे हर चीज़ अचानक होती है, कुछ नहीं पता होता कि अब आगे क्या होने वाला है। तो अब मैं उठ चुकी हूँ और मैंने भी आप लोगों को नाश्ता दिखाया। अभी हम ऊपर, हम रात में भी ऊपर ही सोए थे क्योंकि सब आए हुए थे, आंटी सब, आंटी सब आए हुए थे, तो नीचे जगह नहीं हो रही थी जब, और फिर दब दब के सोना हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए हम ऊपर आ गए। ऊपर जगह भी थी और फिर हम रमशा आंटी की जगह पर सो गए। 6:30 पे फिर हम अभी उठे, बीच बीच में आँख खुली थी, मेरी माँ भी तो सो रही थी, मम्मा भी पर सभी हमारी पूरी फैमिली ऊपर थी। और आज का ब्लॉग मैं ही बना रही हूँ, माँ भी नहीं बना रही अभी ऊपर ही। मैंने झांगना भी आ गए नीचे से बुलाने, लेकिन इतना बोल रहे थे नाश्ते का सब, तो इसलिए हमने अभी ऊपर ही कर लिया। अभी झांगना आए हैं तो बस अब नीचे जाएंगे। मेरी आँखें देखिए, मेरी नींदों में आधी आधी जब सोना। तो बस अभी हम आए हैं और अभी मैं जन भाई के फ़ोन में शूट कर रही हूँ। माई पी और मम्मा वही हैं। अभी सुबह और ये 3 बज रहे हैं, तो अभी हम आए हैं। हमारी आँखें देखिए कैसी हो रही हैं, बिल्कुल सूजी हुई सी, क्योंकि अभी हम सुबह में 6 बजे शायद सोए थे और मम्मा वगैरह नहीं है। मैं अभी जन भाई के फ़ोन में शूट कर रही हूँ और अभी झांगना ने मुझे गिफ्ट भी दिया। पापा बस अभी ऑफिस गए, लेट हो गया हम, वरना सुबह 6 बजे आने का सोचा था, लेकिन हम 7 बजे तो सोए थे, मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी बस हम आए, देखिए कमरे की हालत भी कैसी हो रही है। अभी ये देखिए पूरा फैला हुआ हो रहा है, क्योंकि मम्मा वगैरह तो अभी वहीं हैं, मुझे सही करना है। और मुझे वैसे रात में जाना नहीं था, पापा चले गए ऑफिस, मुझे वैसे रात में जाना नहीं था, लेकिन अब मैं जाऊँगी। माए भी और मम्मा यही बोल रहे थे कि अब सुकैना नहीं आएगी, लेकिन मैं उन लोगों की बात को गलत करूँगी, मैं जाऊँगी। तो झांगना बहुत यकीन से बोलता कि नहीं सुकैना आएगी, मुझे पता है। तो बस अभी मुझे थकान भी हो रही है और अभी मुझे वो प्रैक्टिकल वगैरह भी आज लेने जाना है, इसलिए मैं और ज़रूर आई हूँ, वरना मुझे वो रोक रहे थे। मैंने बोला नहीं मुझे जाना है, प्रैक्टिकल वगैरह भी लेने जाना है, फिर अप्पी के साथ चेज़ भी जाना है, अप्पी को जाना था किसी काम से, तो अप्पी के साथ चेज़ भी जाना है, और फिर रात में फिर जाना है मुझे नानी के। तो फिर मैं आप लोग को दिखाती रहूँ। सो गाइज, अब मैं अपनी ये ले आई थी प्रैक्टिकल जर्नल, मैंने आप लोगों को बोला था मैं लेने जाऊंगी। पहले मैं अप्पी के साथ चेज़ चल गई थी और फिर उसके बाद मैं लेने चल गई थी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, और लैब कोट भी लेके आई थी, लेकिन वो मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को प्रेस करके। और मैं जब ये बनेंगे मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बस अब मैं अपने कपड़े निकालूंगी जो मुझे जाना है वहाँ पे,
कहाँ पे नानी के वापस, तो बस फिर मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह दिखाए थे, मैं लेके आ गई थी। पहले मैं चेज़ गई थी, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल वगैरह लेने गई, फिर उसमें मैं थोड़ी सी बैठी, फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई। मुझे कपड़े समझ नहीं आ रहे थे, मैंने लगा क्या पहनूँ, फिर मैं चैट तो ना जाऊँ, मुझे अजीब घबराहट चुकी थी, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं बस चली जाती हूँ, ऐसा अच्छी बात नहीं होती। तो बस फिर मैंने अभी कपड़े पहने, मैं तैयार हो गई, पापा का वेट कर रही हूँ, पापा जब आएंगे फिर हम जाएंगे। मैंने ये पहने और ब्लैक पैंट, ठीक है। तो बस मैं पापा को वेट कर रही हूँ, पापा जैसे आएंगे हम फ़ौरन जाएंगे। और जब हम नानी के गए हुए थे तो रीमा ने ये बनाया हुआ था जर्दा बिरयानी और फिश। और जब शाम में हम आ गए थे तो माइपी वगैरह बता रहे थे, तो रीमा ने वो बनाए थे काली दाल और चावल। आपका ही है ना? सो फ्रेंड्स अब मैं नानी के वापस आ चुकी हूँ, सुबह गई थी और अब फिर आ गई। मैंने जैसे आप लोगों को पूरे दिन का बताया कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही मैं आ गई हूँ। और जब मैं अभी हम लोग आए थे 1 बजे करीब हम पहुँचे थे नानी के, माई भी मम्मा ऊपर थी और बाकी महंगा आंटी और अभी डॉक्टर के गए थे। महंगा आंटी की बेटी है ना रायना, उसकी बहुत तबीयत ख़राब है। क्या हो गया उसे? नमोनिया हो गया, ड्रिप। इतने से बच्ची को इतना कुछ एडमिट करा है, तो फिर उसके बाद और आज जहाँगीर मामू जा भी रहे हैं तो इतने परेशान हो रहे हैं सब कि मतलब मिलना भी था, अभी जहाँ के साथ टाइम वो करना था और अब वो हॉस्पिटल में, तो इसलिए अभी जहाँगीर मामू वहाँ गए हुए उन लोग को खाना देने महंगांडी वगैरह को, और फिर उनसे मिल के भी आ जाएंगे। कि उनको भी कितना अजीब लग रहा होगा महंगांडी को, कि अभी वो भाई के पास होती तो अभी राय देंगे। अपिया तो झांगना होगी, अपिया और झांगना होगी ज़्यादा अच्छी हो मम्मा और चंदा होगी। खैर ये बात है, क्या फिर करने बैठ गए, आप लोगों ने खाना देखा और दुआ करें मैं रायना के लिए बहुत सारी। और अभी वो 3:30 बजे तक निकल जाएंगे, हम भी साथ ही निकलेंगे, फिर हम एयरपोर्ट से अपने घर चले जाएंगे। बहुत इमोशनल सीन होगा, मैं कोशिश करूँगी मैं शूट कर पाऊँ। तो बस अभी फिर मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, अगर बनी तो, वरना फिर उसके आगे देखते हैं। वेट अभी हम उनका वेट कर रहे हैं और झांगना बहुत अच्छे लगे। और अभी झांगीरामू जब अभी डॉक्टर के जाहिर थे जहाँ बड़े खुश रहे भाई, अभी डांस कर रहे झांगीरामू चंदामू सेशन हुआ, सही तस्वीर वगैरह भी उन्होंने, हाँ वो कॉल पे थे चंदामू और चंदामू नानी को चिढ़ा रहे कि तुम्हारा बेटा तो आ रहा है ये वो ये सब ला ला ला। और आप लोग दुआ करें नाना के लिए वो जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पे झांगीर मामू निकल रहे थे जाने के लिए, और झांगीर मामू बहुत 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 प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। और झांगीर मामू यहाँ पे ऊपर जा रहे थे सबसे मिलने, कि सब सो गए थे चचा नाना वगैरह, तो चचा नाना से बल्कि उन्हें बुलाने जा रहे थे, तो मैं पीछे से बना रही थी, बस पीछे पीछे की बना पाई। और फिर यहाँ बस ये जा रहे थे, हम भी साथ निकल रहे थे, बहुत देर हो गई थी सबसे मिलने मिलाने में ना, 4 बज गए थे, तो टेंशन हो रही थी कि टाइम वो ना हो जाए, लेकिन बस अब वो पहुँच जाए बस टाइम से, यही वो है। और बस झांगीरा मामू इंशाल्लाह अब जल्दी आए। और फिर ये देखिए अब हमने अपनी गाड़ी आगे निकाल ली, अब हम दूसरे रोड पे चले गए अपने घर की तरफ और वो एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। और अब वो जल्दी आए पूरी फैमिली के साथ, और नानी और तरी मामू उनके साथ थे। वी मिस यू झांगीरा मामू। और आज 21 फरवरी है और मम्मा ने सारी मेरी पसंद की चीज़ें बनाई थी, और मैं भी अपनी पसंद से केक लेके आई थी मेरे लिए ब्लू रिबन से। और बाकी ये छोले दही बड़े चाउमीन क्रॉकेट सैंडविच सब मेरी पसंद का ही था। और शुक्र इस दफ़ा मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, पिछली दफ़ा तो नहीं आई थी। 21 फरवरी मतलब मेरी बर्थडे का दिन। और ये केक कटिंग के वक्त की वीडियो है, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। माइपी के व्लॉग में आप सारी वीडियो देख लीजिएगा, और क्योंकि मैं बर्थडे गर्ल थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, और बहुत मज़ा आया था सब कुछ, बहुत मज़ा आया था मेरी बर्थडे में। बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं कुछ बातें भूल भी गई, बहुत अब दिन गुजर गए 5-6 इसलिए। और बाकी गिफ्ट वगैरह भूल रही हूँ ना, और बाकी गिफ्ट वगैरह जो मुझे मिले हैं वो झांगीरा मामू ने दिए। और ये मेरा आउटफिट था जो मैं अपनी पसंद से खुद लेके आई थी चेज़ से। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पे इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों ने देखा झांगीर मामू कैसे गए, और हाँ मैंने मुझे याद नहीं मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था, झांगीर मामू मुझे गिफ्ट भी देखे गए थे, और वो जो मैंने आप लोग को बताया था कि झांगीर ने मुझे कैसे विश किया था, झांगीर मामू सोते हुए उठ के आए थे मुझे विश करने, मुझे वो खुशी मैं आप लोग को बता नहीं सकती कैसी हुई थी। बस वो कैप्चर नहीं कर पाई थी, माइपी ने उसी वक्त खाने की बनाई, माइपी ने बस यूँ फ़ोन रखा और फ़ौरन ही झांगीर मामू वगैरह आ गए।
और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब देने आए थे जब भी कैसे आए थे। हाँ जब हम निकल रहे थे हम गाड़ी में बैठ रहे, फिर चाहे सामने से आ जाओ, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे बोला हाथ आगे करो, वो मैंने बताया है शायद, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। जहाँ के नामों ने मतलब पैसों की बहन पैसों के उससे नहीं विश किया था। और अब बस आप लोग बर्थडे भी दिखे और जहाँ हो गए वो भी दिखा, सब इमोशनल हो गए थे उस वक्त। कोमल आंटी बहुत रो रही थी और बाकी सभी रो रहे थे। जाहिर सी बात है इंशाल्लाह जल्दी ही आएंगे। आप लोग सुनते ही हर ब्लॉग मेरे पीछे पीछे बोलती रहती हैं। और आप लोगों को मेरे बर्थडे का ब्लॉग कैसा लगा वो भी इसी में ही है, देखा होगा अभी आप लोग। कुछ सीनी ब्लॉग नहीं, कुछ सीनी डाले। और हाँ इस दफ़ा तो शुक्र मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, मलाइक और ज़हरा, बाकी सबको ही बुलाया था लेकिन नहीं आई। लेकिन तो हाँ लास्ट टाइम नहीं आई थी, उन्होंने मेरी कैसी बेइज्जती कराई थी, इस दफ़ा वो लोग आई थी शुक्र। और बाकी डेकोरेशन वगैरह वहीं पर नहीं की थी, तो आप लोगों को बताया था केक भी वहीं पर ही पसंद का था। और वैसे मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोगों ने आज बहुत इन्जॉय भी किया, बहुत मज़ा आ रहा था। और लाइट, लेकिन आज लाइट पता नहीं क्यों जा रही थी, वैसे नहीं जाती। और आज मेरी बर्थडे थी, मैं समझी थी बस अब कुछ नहीं होगा, मैं सब मैंने बोला था मैं नहीं मना रही बर्थडे अब कुछ भी। फिर और मैं आज ही जाके अपना ड्रेस भी लेके आई थी चेस से सुबह में। और आप लोगों ने देखा आज का ड्रेस कैसा था मेरा, अच्छा लगा तो बताइएगा। और मुझे इस दफ़ा किसी ने भी विश नहीं किया ना आप लोगों ने, मतलब मुझे किसी ने विश नहीं किया ना मेरे व्यूवर्स ने और ना मेरे सब्सक्राइबर ने, चलो खैर कोई नहीं। और वैसे हाँ बस आप लोगों ने नहीं किया, वैसे तो सब ने ही किया है मुझे इस दफ़ा। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में बोला था मुझे किसी ने नहीं किया और इस दफ़ा मुझे सब ने किया है विश, चलो खैर कोई नहीं। और पिछली दफ़ा का ही मैंने बर्थडे के डाला था, अब आप लोग बताइएगा कि कौन सा अच्छा था। मैं आप लोगों से बस गिफ्ट यही चाहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दें, मुझे माईपी को। और आप लोग कैसी वीडियोस चाहते हैं, और मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप लोगों को मेरा आउटफिट्स की चाहिए वीडियो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँगी वो। और वैसे अब रमज़ान भी आने वाले हैं और हम लोग की ट्रांसमिशन भी आने वाली है। और अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा कुंडो का, तो कुंडों का तो बहुत अच्छा होता है। पिछली दफ़ा का अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देखिएगा पिछली दफ़ा वाला, फिर अब जो इसके बाद डालेंगे वो देखिएगा। अच्छा खैर अब बहुत बातें हो गई, एंड की बात वैसे कोई सुनता भी नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नहीं सुनती लेकिन तो खैर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलती रहें। मेरी आवाज़ नहीं, अच्छा तो ले लो अच्छा खैर। और बस मुझे दुआ में याद है कि हम सब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नई वीडियो जल्दी ही आएगी। अल्लाह हाफिज़।